प्री दिवाली स्टैश है, ठीक है, स्काई शॉट है बेसिकली। तो इन सभी की टेस्टिंग देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी 100 लाइक्स कर दीजिए। तो अब दिखाते हैं ये कौन कौन से पटाखे और कौन से ब्रांड के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास ये 12 शॉट का स्काई शॉट, ठीक है, इसका एक डब्बा है, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास ये टिम टैम, ठीक है, ये क्रैकलिंग वाला स्काई शॉट है। और ये एक हमारे पास और है 12 शॉट का डब्बा कलर एंड क्रैकर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ये होलीडे फन, ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से 12 शॉट या पता नहीं कितने शॉट का है, ठीक है, ये भी अच्छा है। और उसके बाद आता है हमारे पास डेजलर का ये 12 शॉट का डब्बा जिसपे तिरंगे के कलर बने हुए हैं। और उसके बाद आखिरी में हमारे पास आता है पेंटा स्काई फ्लैश, ठीक है। तो ये रहा हमारा कुछ दिवाली स्टैश छोटा, ठीक है, प्री दिवाली स्टैश। तो अब इन सभी के प्राइस और इन सभी को बताते कि इनमें कितने पीस है और पर पीस कितना प्राइस लगेगा। सबसे पहले दोस्तों हम करते हैं पेंटा स्काई फ्लैश, ठीक है, ये कॉक ब्रांड का पटाखा है और इसमें 5 पीस हैं, अलग अलग तरह के इसमें निकलेंगे स्काई शॉट। और ये पड़ा मुझे 130 रुपये का, ठीक है, और पर पीस 25 रुपये का पड़ जाएगा। और इस उसके बाद आता है ये होलीडे फन, ठीक है, ये पता नहीं कौन से ब्रांड का है, ये न्यू ब्रांड्स है कोई। और ये 12 शॉट स्काई शॉट है, इसका प्राइस 150 था, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है ये 12 शॉट का कलर एंड क्रैक, ठीक है, ये ब्लू स्टार्स कंपनी ब्रांड का है, तो इसका प्राइस 140 है। और उसके बाद हमारे पास आता है ये 12 शॉट का ये स्काई शॉट, ठीक है, ऊपर जाके ये खिंडरेगा, अलग अलग रंग निकालेगा। तो ये भी काफ़ी सस्ता है, ये बहुत काफ़ी सस्ता था, ये था 110 रुपये का पड़ा 12 शॉट। तो उसके बाद आखिरी में हमारे पास टिम टैम, ठीक है, ये 5 डब्बे हैं, तो ये करीब मेरे ख्याल से 100 रुपये की पड़ी। तो उसके बाद अब आता हमारे पास ये डेजलर का 12 शॉट का डब्बा, ये भी सस्ता था, ये सिर्फ एक 130 रुपीज़ का था, ये दोनों 130 रुपीज़ के थे। तो इतने से हमारे कुछ दिवाली स्टैश, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं लेके आए। तो मैंने सोचा कि स्काई शॉट ही ले आते हैं क्योंकि इस बार मार्केट में काफ़ी न्यू तरह के स्काई शॉट आए हैं।